व्यवस्था है उसी को आत्मसात करें, अनिष्ट का निवारण भी होगा और हमारी आस्था का संरक्षण भी होगा। तो इस काव्य में आचार्य यही कह रहे हैं कि अनिष्ट का निवारण कैसे होता है वो आपके सामने रखते हैं। नाथ ए स्वामी शब्दार्थ है, नाथ ए स्वामी ए प्रभु ए भगवान कुछ भी लिखे, इति ऐसा, मत्वा मत्वा मानकर, तनुधिया अल्प बुद्धि वाले होने पर, तनुधिया अल्प बुद्धि वाले होने पर अभी भी मया मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा इदम यह है, इदम यह है, तब तुम्हारा संस्तवनम स्तुति स्तवन कुछ भी लिखे, आरभ्यते आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है, इसके नीचे अंडरलाइन कर ले जरा, आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है तब आपके, तब मीन्स आपके प्रभाव प्रभाव से, यह स्तवन ब्रैकेट में लिख ले, यह स्तवन सताम सताम सज्जनों के चेतः चित्त को, चेतः चित्त को हरिष्यति हरिष्यति हरेगा, ननु ननु निश्चित ही उद बिंदु जल की बूंद, जल की बूंद अभी खूब बूंद पड़ रही है, जल की बूंद नलिनी नलिनी कमलनी, नलिनी मीन्स कमलनी, कमलनी के दलेशु पत्तों पर मुक्ता फल मोती की द्वितीय कांति को उपैती प्राप्त होता है, उपैती प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति से। आपने सुना होगा प्रवचन में, संभवतः मैंने भी एक बात कहा था कि बरसात के दिनों में बरसात पड़ गया, हो गया गीला, थोड़ा गीला हो जाता नहीं है, आप तो देखे नहीं हो खरीदने गए नहीं, अब बरसात में बरसात हो या ना हो मॉइश्चर होने से गुड़ थोड़ा गीला हो जाता, और फिर थोड़ी अगर धुआं हवा चल गई, बरसात नहीं हुई है हवा चल गई तो धूल जाके कहां बैठ जाती है, बैठती नहीं, अब वो धूल किसके भाव बिकती,
पक्का है ना, गुड़ के भाव बिक जाती है। अब जयपुर की बात बताती हूँ। जयपुर में सोने में काई काई का काम होता है, मालूम है, कहीं कुंदन का, कहीं हीरा का, कहीं पन्ना का है। वो पत्थर किस भाव बिक जाता है? सोने के। भगवान जैसे कमल पत्र पर पड़ी हुई बूंद, जमीन में पड़ी हुई बूंद नहीं चमकती है, पर कमल पत्र पे पड़ी हुई बूंद जैसे बूंदी के समान आभावान हो जाती है, प्रभावान हो जाती है, चमकवान हो जाती है, उसी प्रकार आपके स्तुति करने से या आपकी स्तुति की गई इस स्तोत्र में, इसीलिए यह स्तोत्र भी क्या करेगा, भक्तों का चित्त को, भक्तों के चित्त को आनंद देने वाला होगा। कब आनंद? जैसे वह पानी की बूंद चमक जाती है, ऐसे यह स्तोत्र भी मैंने रचा है इसीलिए लोगों को प्रिय लगेगा, ऐसी बात नहीं। इसमें आपकी स्तुति की गई है इसलिए प्रिय लगेगा। पहले बात, इस काव्य में दो बातें बहुत ध्यान देने हो, अपने शब्दार्थ वाला पोर्शन देखें। इति मत्वा, ऐसा मानकर, कैसा मान दूसरी बात, यहां मैंने अंडरलाइन कराया, उधर देखें क्या लिखा है, आरभ्यते, आरंभ किया जाता है, लिखा जाता नहीं है ना। अब तो क्लियर हो गया ना। कभी कभी आपको लग रहा होगा कि माता जी हमेशा ऐसी बात कहती जो हमने सुनी नहीं, तो जल्दी से गले उतरती नहीं है। वास्तव में जब गले में सूजन रहती है तो सामान जल्दी नहीं उतरता, तो अपन उस सूजन को उतारें। खांसी कब आती है? जब गले में सूजन आती है। और सूजन कब आती है? कुछ इन्फेक्शन होता है, तो अपन इन्फेक्शन निकालें, गले की सूजन कम करें और आदम के अमृत को पीने का प्रयास करें। तो आरभ्यते, आरंभ कर रहा हूं, लिख रहा हूं शब्द नहीं है। तो अच्छा जी ने यहां भक्ति के प्रति आस्था कितनी मजबूत होना चाहिए ये आपको इस काव्य के माध्यम से समझाने का प्रयास, और आपको समझना पड़ेगा। जो जो समझ जाते हैं वो संसार से तर जाते हैं, और जो समझते नहीं हैं वो संसार में उलझे। ये आपको विचार करना है, लिखिए। बहुत कुछ बोलना चाहेंगे पर घड़ी की तरफ देखती है तो फिर ब्राह्म, चलिए लिखे भावार्थ। हे नाथ, जैसे कमल पत्र पर पड़ी हुई कमल पत्र पर पड़ी हुई ओस की जल बूंदें
ओश की जल बूंदें कभी देखा आपने? करीब से जाके देखा कितना सुंदर। ओश की जल बूंदें मोती के समान चमकती हुई लोगों के मनुष्यों के चित्त को आनंदित कर देती है, प्रसन्न कर देती है, कुछ भी लिख लेंगे। वैसे ही हे प्रभु मुझ मंद बुद्धि के द्वारा, लिखा ना तनु जिया अल्प बुद्धि वाला होने पर, मुझ मंद बुद्धि के द्वारा आरंभ किया गया यह भक्ति स्तोत्र, ब्रैकेट में लिख लें भक्तांबर स्तोत्र, आपके ही प्रभाव से, आपके ही प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्त को, सज्जन पुरुषों के चित्त को आनंदित प्रफुल्लित करेगा, आनंदित प्रफुल्लित करता है। मान तुंगाचारी की पहचान किनसे हुई है? आदिनाथ भगवान। इसी प्रकार इस स्तोत्र की लोकप्रियता का कारण आदिनाथ भगवान, दूसरा कारण कि यह स्तोत्र उन विषम परिस्थितियों में भक्त व्यक्ति है, तो उन विषम परिस्थितियों में उद्भूत हुआ है, स्फटित हुआ है, जब आदमी धर्म के बजाय अधर्म में फंस सकता था, परंतु आचार्य मान चुके ने उस अवस्था में भी आनंद का आनंद लिया, आत्मानुभूति का आनंद लिया। चलिए रिद्धि लिखे, कुछ रिपीट करना है। नमो पादानुसारिणं झं झं नमः स्वाहा। नमो अरिहंताणं शब्द आ गया है, बीच में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। मंत्र जाप लिखे, अप्रतिचक्रे फट विचिक्राय, फट विचिक्राय छवम छवम नमः स्वाहा। वस्त्र श्वेत
दिशा पूर्व उत्तर घी से मिश्रित गुग्गल की धूप क्षेपण करते हुए, घी से मिश्रित गुग्गल समय प्रातःकाल माला अरीठा की, अरीठा जानते हैं जिससे सिर धोते हैं ना, हाँ अरीठा समयावधि 21 दिन अरीठा की माला समयावधि 21 दिन जाप पे संख्या 1000 का 1000 रिद्धि जाप और मंत्र जाप, रिद्धि जाप और मंत्र जाप जब जाप करें तो नमक की डली से ओम अवश्य करें। काव्य रिद्धि मंत्र की आराधना से सब प्रकार के अरिष्ट दूर होते हैं। यंत्र पास में रखने से